यदि किसी आदमी को इस तरह से झटके आने शुरू हो जाते हैं, उनके चेहरों पर झटके आने लग जाएं, सारा शरीर झटके आने लग जाए, हाथ पैर भी हिलने लग जाएं, और उनके मुंह से अलग अलग तरह की आवाजें आने शुरू हो जाएं, और यदि उनके हाथ पैर अकड़ जाए, शरीर बुरी तरह से अकड़ जाए, कई बार लोग क्या करते हैं कि उनके पेशाब निकल जाता है, लैट्रिन निकल जाता है, लोग भरे बाजार में, सड़क पे, यात्रा करते वक्त, घर पे, सोते सोते या किसी भी समय पर इस तरह के यदि झटके इंसान को आने लग जाती है, तो लोग अक्सर वहां पर झुंड बनाकर, भीड़ बनाकर खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग उनको जूते चप्पल उनके मुंह या नाक के आसपास लाकर सुंघाने लग जाते हैं, तो कुछ लोग उनको पानी लेकर उनके मुंह में पानी डालने लग जाते हैं। इस तरह क्या ये करना उचित है? मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि यदि किसी आदमी को इस तरह से दौरे आने लग जाए, उनको झटके आने लग जाए, या वो मिर्गी के दौरे हो या दूसरे कोई भी दौरे हो, तो इस तरह की हरकत उनके साथ बिल्कुल ना करें। पानी मुंह में डालने से वो सीधा फेफड़ों में जा सकता है, और जूता सुंघाने से, इस तरह की चीजों करने से उनके मुंह में इन्फेक्शन और गंदगी जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को जैसे भी इस तरह से झटके आने लग जाएं, तो सबसे पहले उन्हें मदद लेकर, किसी व्यक्ति की मदद लेकर, दो बंदे उसमें हेल्प कर सकते हैं, और उनको किसी उचित जगह पर, किसी ऐसी जगह पर ले जाया जाए जहां पर वो सेफ हो। उनको सबसे पहले तो एक जगह पर लेटा देना चाहिए, और उनको हमेशा करवट से ही लेटाया जाना चाहिए, क्योंकि यदि करवट ले पर लेटा देने से उनको मुंह की जो झाग है या मुंह की जो लार है वो उनके फेफड़ों में नहीं जाएगी। कुछ देर झटके आने के बाद 90% दौरे अपने आप रुक जाते हैं, आदमी रिलैक्स हो जाता है, वो ढीला पड़ जाता है, उसका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। उसके पैरों को सपोर्ट दे दें और उनको सेफ जगह पर इस तरीके से लेटा दें। ऐसा करने से 90% दौरे खुद से रुक जाएंगे। आज हम लोग मिर्गी के दौरे या दिमागी दौरे क्या चीज़ होते हैं, वो किस वजह से आते हैं, उनके कारण क्या हैं, इन सब के को हम एक डेमो के थ्रू दिखाएंगे। इंसान का जो एक दिमाग होता है उसके अंदर बहुत सारी बारीक नसें होती हैं, और एक तारों का, एक नसों का ऐसा जंजाल होता है जो कि सारी हमारी एक्टिविटीज़ को, हमारे होश को, हमारे हाथ पैर की मूवमेंट को, सबको अच्छे से कंट्रोल करता है। मगर कभी कभी क्या होता है कि इनके अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कुछ लोगों में किसी भी बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से उनके अंदर एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग, जैसे ही इनके अंदर दिमागी सर्किट होता है, आदमी के अंदर दौरे आने शुरू हो जाते हैं, और जैसे ये दौरे रुकते हैं ये सर्किट रुक जाते हैं। जैसे ही इंसान चटाक होता है, झटका लगता है, हमारे दिमाग के सारे शरीर, सारे कण हिलने लग जाते हैं और इंसान के शरीर में दौरे आने लग जाते हैं। तो इन दौरों का कारण कुछ भी हो सकता है। वो दिमागी चोट हो सकती है, वो दिमाग के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, वो ब्रेन के ट्यूमर्स हो सकते हैं, वो दिमाग के अंदर कोई भी डिफेक्ट, कोई खून बह जाए, कोई ब्लीडिंग हो जाए, दिमागी कीड़ा अंदर हो सकता है। उन सब की वजह से इंसान के दिमाग के अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, वहाँ का जो नेटवर्क है वो हिल सकता है, और वो जैसे ही उसके अंदर शॉर्ट सर्किट होता है, पेशेंट के अंदर इस तरह के दौरे आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ये चटाक होता है, आदमी उसी तरह से उछल उछल कर उसका सारा शरीर होता है, और दौरों के अंदर इंसान बेहोश भी हो जाता है। ऐसे में उनको हॉस्पिटल में ले जाके करवट से लिटा दिया जाना चाहिए, उनको रिलैक्स पोजीशन में लिटा दें, और कुछ देर इंतजार करने के बाद वो दौरे अच्छी तरीके से रुक सकते हैं, और 5 से 7 मिनट के अंदर वो होश में भी आ जाते हैं। ऐसे में कोई एम्बुलेंस बुला के, कोई मेडिकल हेल्प लेके आप उनको अच्छे हॉस्पिटल में, आसपास के किसी भी हॉस्पिटल में जाएं जहाँ उनका इलाज शुरू हो सके। तो दिमाग के सर्किट्स का शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से ये दौरे आते हैं। दौरों का इलाज जो है वो लंबा चलता है, उसको कम से कम 3 से लेके 5 साल तक दौरों की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। डॉक्टर लोग उसके कारण का पता लगाने की कोशिश करते हैं, वो MRI हो सकता है, CT स्कैन हो सकता है, या खून की जाँच हो सकती है, जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि इस इंसान के अंदर दौरे क्यों आए थे। तब उसका इलाज करने से वो प्रॉपर ठीक हो जाता है, और कुछ देर बाद, कुछ अच्छे इलाज करने के बाद, वो पेशेंट ठीक भी हो जाता है। अब उसके बाद पेशेंट को होश में आ जाता है। अक्सर होश में आने के बाद वो लोग बता नहीं पाते हैं कि वो कहाँ पर थे, किस वजह से ऐसा हुआ था, या उन्हें कोई चोट लगी है, मगर लेकिन वो बाद में होश में आ जाते हैं। तो मिर्गी का दौरा या दिमागी का भी दौरा पड़ने के ऊपर आप लोगों ने इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जो पेशेंट को परेशान कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, वो नहीं करनी है, और उसके लिए ट्रीटमेंट दिया जाना है।
प्रिकॉशन यही है, जिन लोगों को मिर्गी के दौरे आते हैं वो अपना हमेशा अपना आई कार्ड अपने साथ लेके मूव करें और अपनी जो दवाइयां होती है उसको कभी भी ना छोड़ें। दवाइयों में गैप करने की वजह से, दवाइयां ना खाने की वजह से मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। और जो लोग उनके अटेंडेंट हैं, जो जिन लोग उनके साथ में रहते हैं या घर के जो मेंबर्स हैं या एक आम आदमी भी जिसने दौरे देखे हों या ना देखे हों, वो उस पेशेंट की उसी टाइम यदि मदद करेगा तो एक किसी भी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। थैंक यू। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार करनाल प्लस की तरफ से आप सब लोगों को थैंक्स बोलता हूँ।